हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेन इन नेक ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब अगर किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है तो उसका इलाज क्या होता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, ज़्यादा दर्द हो रहा है तब कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, सारी की सारी बात आपको दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस तरह के पेशेंट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे और इस तरह की जानकारी आपको पूरा डिटेल रहना चाहिए कि ये गर्दन में दर्द हो रहा है तो गर्दन में दर्द क्यों होता है, गर्दन में दर्द होने का क्या कारण होता है, गर्दन में दर्द होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं और गर्दन में दर्द होने का क्या इलाज होता है, तो सारी बात आपको यहाँ पर बताऊंगा। आपको बोर नहीं होना है, बस एकदम ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये गर्दन में दर्द होने का कारण क्या होता है। पहली बात तो हम लोग ये जानेंगे। अब दोस्तों, गर्दन में दर्द होने के एक दो कारण नहीं होते, बहुत सारे कारण होते हैं। तो गर्दन में दर्द होने के कौन कौन से कारण होते हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला कारण यह होता है इंजरी के कारण। मतलब अगर मान लीजिए हम कहीं गिर जाते हैं, हमको चोट लग जाता है, तो इसकी वजह से भी गर्दन में दर्द देखा जा सकता है। दूसरा कारण होता है फिजिकल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल स्ट्रेस कर रहा हूँ। अब फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है, अपने शरीर पर जो ज़्यादा वजन उठा लेते हैं, ज़्यादा लोड ले लेते हैं। मेंटल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, दिमाग पर जब ज़्यादा लोड ले लेते हैं, दिमागी तनाव ज़्यादा ले लेते हैं, तब भी हो सकता है गर्दन में दर्द। फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, अगर मान लीजिए, अगर हम जान लीजिए कोई भी चीज़ अपने शरीर से ज़्यादा वजन का लोड उठा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी देखा जा सकता है। एजिंग का मतलब क्या होता है, अगर किसी का उम्र ज़्यादा हो गया है, तो उम्र ज़्यादा होने के कारण भी देखा जा सकता है कि उनके गर्दन में दर्द होना देखा जा रहा है। कुछ अदर हेल्थ कंडीशन भी होता है जिसकी वजह से देखा जाता है कि गर्दन में दर्द होना देखा जाता है। तो दोस्तों, गर्दन में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, चोट लगने के कारण, ज़्यादा वजन उठाने के कारण, ज़्यादा उम्र के कारण, कुछ अदर हेल्थ कंडीशन के कारण देखा जाता है कि पेशेंट के गर्दन में दर्द हो रहा है। इतना बातें समझ में आया ना आप लोगों को। तो ये बस आपको एक बात अभी बताया हूँ कि गर्दन में दर्द होने का क्या कारण होता है। अब इसी तरह से हम दूसरी बात करने जा रहे हैं कि गर्दन में दर्द होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और फिर तुरंत हम तीसरी बात करेंगे इसकी सारी दवाइयों के बारे में, किसके इलाज करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो दोस्तों, सिम्टम की बात करें कि अगर किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, तो लक्षण बहुत सारे देखे जाते हैं। अब लक्षण में क्या क्या देखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं वहाँ पर दर्द होना। अब मान लीजिए हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है तो पेन तो देखा ही जाएगा ना, पेन को हिंदी भाषा में बोलते हैं दर्द होना। हेडेक का मतलब होता है कि सर में दर्द होना देखा जा सकता है, स्टिफनेस देखा जा सकता है। अब अपनी गर्दन को इधर उधर मोड़ेंगे तो भी दर्द देखा जा सकता है, नंबनेस या फिर टिंगलिंग देखा जा सकता है, नंबनेस देखा जा सकता है, टिंगलिंग देखा जा सकता है। मतलब इसका क्या होता है, झंझनाहट होना, सुन्नपन होना, ये भी लक्षण देखे जा सकते हैं। तो अगर किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है दोस्तों, तो उनमें यही सारे लक्षण देखे जाएंगे, दर्द होना, सर में दर्द होना, स्टिफनेस होना, गर्दन को इधर उधर मोड़ने में दर्द होना, नंबनेस होना, टिंगलिंग होना, यही सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग इसके इलाज के बारे में कि अगर किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है तो उसका इलाज क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब कंडीशन ज़्यादा खराब होते हैं, कौन कौन से क्रीम लगाए जाते हैं जब दर्द ज़्यादा होता है। तो चलिए एक एक करके सारी दवाइयों के बारे में हम लोग जानते हुए और समझते हुए चलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिसिन की। सबसे पहला मेडिसिन दोस्तों है वह फ्लेमर यमयक्स टैबलेट। आप देखिए, फ्लेमर यमयक्स टैबलेट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसको थोड़ा सा पहले हम लोग समझ लेते हैं। फ्लेमर यमयक्स टैबलेट में पाया जाता है पैरासीटामॉल, क्लोरोक्साजोन एंड डाइक्लोफिनेक पोटेशियम टैबलेट। ये तीन चीज़ें मिली हुई हैं जिससे बना हुआ है आपका फ्लेमर यमयक्स टैबलेट। ये क्या काम करता है, इनका काम क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एनल्गेसिक होता है एंड मसल्स रिलैक्सेटेंट होता है। अब देखिए, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को यहाँ पर देखना चाहिए कि इस दवा का क्या नाम है, इस दवा का साल्ट नेम क्या है और इस दवा का क्या काम है। एकदम दवा के ऊपर ही साफ साफ लिखा गया है कि यह दर्द को ठीक करेगा, सूजन को ठीक करेगा, मसल्स को रिलैक्स करेगा, हल्का फुल्का बुखार हुआ है तो उसको भी ये ठीक करेगा, क्योंकि पैरासीटामॉल मिला हुआ है। समझ गए आप लोग। तो इसीलिए फ्लेमर यमयक्स टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्लेमर यमयक्स टैबलेट का डोज क्या होता है, तो इसका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में दो बार खाया जाता है, एक टैबलेट सुबह खाया जाता है और एक टैबलेट शाम को खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए बात कर देते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है ए टू जेड मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का।
जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में WhatsApp पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप WhatsApp पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों, वो वाइसलोन टैबलेट। वाइसलोन टैबलेट जो होता है, इसका साल्ट नेम है प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सेबल टैबलेट, जो कि 5 mg का ये मेडिसिन है, 10 mg का भी आता है। इनका काम क्या होता है, प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सेबल टैबलेट जो होता है ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि ये भी एक प्रकार के पेन को ठीक करने के लिए उसी में दे दिया जाता है मिला करके। इनका डोज क्या होता है, डोज इनका भी सेम होता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। एक टैबलेट दिन भर में इसको 2 बार दिया जाता है, 3 बार भी दे सकते हैं, लेकिन दिन भर में 2 ही बार दिया जाता है। जैसे पहले वाला मेडिसिन जो बताए हैं फ्लेमर MX, अगर आप उसको 2 बार दे रहे हैं तो उसी के साथ साथ इसको भी मिला करके दिया जाता है कि इसको भी दिन भर में 2 बार खाना है, उसी के साथ एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को। समझ गए आप लोग, तो दिन भर में इसको भी 2 बार दे सकते हैं, वो भी इसको दिया आता है खाना खाने के बाद खाने के लिए। ये बातें हो गई दोस्तों वाइसलोन टैबलेट के बारे में, जो कि प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सेबल टैबलेट ये होता है 5 mg का। इसी तरह से हम बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, तो अगला जो मेडिसिन होता है वो होता है रेनिटिडिन टैबलेट। इसको दिया जाता है अगर पेट में इरिटेशन हो रहा है, पेट में गैस बना हुआ है, पेट में एसिडिटी हुआ है, पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, जी मचला रहा है, नोजिया जिसको बोलते हैं, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए रेनिटिडिन टैबलेट, जो कि एसीलाक के नाम से फेमस होता है, एसीलाक 150 mg का भी आता है, 300 mg का भी आता है, तो आप इनमें से 150 mg मिला करके कॉम्बिनेशन में इसको दे दिया जाता है। जैसे कि आपको सबसे पहले मेडिसिन क्या बताएं, सबसे पहला मेडिसिन बताएं फ्लेमर MX के बारे में, फिर दूसरा मेडिसिन आप लोगों को क्या बताएं हैं, दूसरा मेडिसिन आपको बताएं वाइसलोन के बारे में जो कि प्रेडनिसोलोन डिस्पर्सेबल टैबलेट होता है, ये मेडिसिन बताएं, और तीसरा मेडिसिन आपको बताएं हैं एसीलाक 150 mg का। तो ये तीनों मेडिसिन को मिला करके दे दिया जाता है, जिससे पेशेंट को जल्द से जल्द आराम मिल सके। अब देखिए ये जो मेडिसिन रेनिटिडिन होता है, इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला भी याद कराया था, जो पुराने छात्र हैं उनको याद होगा कि देखिए किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में अगर प्राजूल आ जाए या फिर टिडिन आ जाए तो वो सारी दवाइयाँ गैस्ट्रिक मेडिसिन होता है, जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, नेंसोप्राजोल, तो प्राजोल आ रहा है ना, तो ये जो प्राजोल आता है तो वो गैस की दवाइयाँ होता है। ऐसे ही टिडिन की बात करें तो रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, नाइजाटिडिन, तो टिडिन अगर आए या फिर प्राजोल आए वो सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए रैनी टिडिन, तो टिडिन आया हुआ है ना, तो ये गैस की दवाइयाँ होती हैं। इनका काम क्या होता है वो तो बता ही दिया हूँ, वैसे यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है इसका पेट में अगर किसी के इरिटेशन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एसिडिटी हुआ है, पेट में गैस बना हुआ है, नोजिया मतलब जी मचला रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए रेनिटिडिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका डोज होता है एक टैबलेट। आप दिन भर में 2 से 3 बार ले सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है और खाना खाने के पहले भी इसको लिया जा सकता है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो एलेप्राजोलम। अब देखिए एलेप्राजोलम क्या मेडिसिन है, ये नींद की दवाइयाँ होती हैं। क्यों दिया जाता है इसको, पेशेंट के गर्दन में दर्द हो रहा है, रात में सो नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसीलिए इनमें से एक टैबलेट निकाल करके उसको दे दिया जाता है। लेकिन एक बात आप याद रखना, अगर आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं तब किसी भी आदमी को, कोई भी व्यक्ति अगर आता है वो नींद की दवा मांगता है, एलेप्राजोलम मांगता है, तो कभी भी भूल करके आप उसको मत देना, क्योंकि इसका मिसयूज ज़्यादा कर रहे हैं वो लोग, नशे में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पेशेंट आया था, एक लोग नए मेडिकल स्टोर खोले थे उनके पास गया, वो तुरंत निकाल करके एलेप्राजोलम एक पत्ता उसको दे दिए। अब उसको नशा करने वाला आदमी था, आदत लगा हुआ था, तुरंत वहाँ पर पा गया, क्योंकि वो नया मेडिकल स्टोर खोले थे उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि इसको तुरंत नहीं देना है। अगर पेशेंट को कोई डॉक्टर लिख करके पर्ची देता है तब याद दे सकते हैं आप, या फिर अगर आप डॉक्टर हैं पेशेंट का कंडीशन खराब है देख रहे हैं तब आप दे सकते हैं, या फिर आपके जान पहचान में कोई है तब आप उसको दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने वैसे ही उसको दे दिया, अब सुबह दिए शाम तक पूरा टेबलेट ही खत्म कर दिया एक पत्ते का, फिर शाम को आकर के मांगने लगा, तब उसका कॉल आया मेरे पास कि सर मैंने दे दिया था और पूरी नींद की दवा ये खत्म कर दिया। तो मैंने उसको बताया था कि कभी भी भूल करके आप लोग इसको नींद की दवाइयों को किसी भी आदमी को वैसे नहीं देना है, जब तक आप पेशेंट को नहीं देखेंगे, पेशेंट के कंडीशन को नहीं देखेंगे कि उसको नींद की दवा देना है कि नहीं देना है, नहीं तो इसका मिसयूज ज़्यादा लोग करते हैं, तो कभी भी इसको नहीं देना है। ठीक, जब पेशेंट को देखना है कि सच में पेशेंट को ही देना है या फिर डॉक्टर पर्ची बना करके लिखे हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं, तब आप दे सकते हैं, वैसे नहीं देना चाहिए। इनके डोज देखिए, डोज में भी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में भी, दिन भर में 2 बार 3 बार नहीं खाना है इसको, केवल रात में इसको खाना है। एक टैबलेट जब रात में नींद नहीं लग रहा है तब उसको पेशेंट को एक टैबलेट रात में दे दिया जाता है, जिससे वो आसानी से सो सके। ठीक, 2 बार 3 बार देंगे तब तो वो सोता ही रह जाएगा। ठीक,
इसका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में, रात में खाया जाता है, खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है। इसी तरह से बात कर लेते हैं जेल के बारे में कि कौन सा क्रीम लगाया जाता है। तो क्रीम की बात करें तो फायरोक्सी जेल लगाया जाता है जो कि दर्द को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जितने पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। जिस जगह पर दर्द हो रहा है उस जगह पर इसको लगातार 5 दिन तक सुबह और शाम एक एक बार लगाया जाता है। डोज की बात करें दिन भर में 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कंडीशन ज़्यादा खराब है तो उस केसेस में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन की बात करें तो कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वोवेरान इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन को लगाया जाता है जब ज़्यादा कंडीशन खराब होता है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो उस दर्द को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, जिसको IM रूट से मांस में इसको लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? तो दोस्तों इसी तरह से आज का ये वीडियो आप लोगों का होता है यहीं पर कंप्लीट। अब आपको कमेंट बॉक्स में आना है और आप सभी लोगों को बताना है कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो सभी लोग कमेंट करके अपना फीडबैक दोस्तों जरूर देना कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। समझ में आया तो भी बताइए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए, जिससे अगले वाले वीडियो में थोड़ा सा और भी डिटेल बताने की कोशिश कर सकूँ। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, वो लोग भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी जू चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही आपको मिल जाएगा चैनल, आप वहाँ पर हमें फॉलो और आप लोग हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।